हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक्सेल में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो और ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दो डाटा है, एक 500 है और एक 304। अगर मैं कहूँ कि हमने 500 नंबर में 340 नंबर गेन किए हैं तो हमने कितने परसेंट प्राप्त किए, तो उसके दो फंक्शन है निकालने के। सबसे पहला फंक्शन बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100, एंटर। ये हमको रिजल्ट मिल गया कि 68%। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप ये जो 100 लिखा हमने उसको हम हटा दे रहे हैं। ये हमारा रिजल्ट है 0.68। अब हमको होम मेनू में ये आपका परसेंटेज दिखाई दे रहा है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये आपका 68% शो करा रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक फिलअप करा दें, जैसे हमने ये नीचे तक फिलअप करा दिया, अब यहाँ पे जो भी डाटा लिखेंगे, जैसे किसी ने 500 में 300 नंबर पाए, तो आपका वहाँ पे 60% रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये ढेर सारे चीज़ों को हम एक साथ अप्लाई करा के उसके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो देखते हैं, बराबर प्राप्तांक बटे। अब पूर्णांक को लिखने के लिए सबसे पहला काम, हम डॉलर का सिंबल बना रहे हैं जो कि नंबर 4 पे होता है, शिफ्ट के साथ यूज कर लेंगे। अब देखते हैं हमारा पूरा नंबर जो ये 500 है किस कॉलम में है। डी कॉलम में डी लिखा हमने, फिर से यहाँ पे हमने एक डॉलर का सिंबल बनाया। अब देखते हैं किस रॉ में, 13वीं रॉ में है, तो हमने यहाँ पे 13 लिखा और एंटर कर दिया। ये 0.6 ऐड आया, हमने इस पर क्लिक करके परसेंटेज पर क्लिक कर दिया, ये भी आपका 68 आ गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो हमको नंबर और टोटल नंबर और जितने नंबर हमने प्राप्त किए वो मिला है। अगर हमको ये दे दे कि जैसे 600 की एग्जाम में आपने 49% प्राप्त किए, तो कितने नंबर से आपने गेन किए, तो इक्वल टू 600 नंबर का गुड़े 49 बटे 100। ये आपको रिजल्ट मिल गया कि 294 नंबर अगर आप प्राप्त किए हैं, यानी कि 49% आपने पाए हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अगर परसेंटेज का सिंबल नहीं जुड़ा है तभी आप बटे 100 करेंगे। अगर परसेंटेज का सिंबल जोड़ दें हम, अगर हम यहाँ पे लिख दें 49%, तब आप बटे 100 नहीं करेंगे। जैसे देखिए बराबर 600 गुणे 49%, तो प्रतिशत का सिंबल जुड़ गया, यानी कि प्रति 100। अब एक वो खुद ही 1/100 हो चुका है, तो अगर आप 1/100 कर देते हैं तो आपका डाटा गलत दिखेगा। जैसे मैं 1/100 करके देख रहा हूँ, मैंने 1/100 कर दिया तो आपका 2.94% आया, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, यानी कि ये डाटा आपका गलत है, हमको यहाँ पे 1/100 नहीं लगानी है। ये डायरेक्ट आपका 294 नंबर आ गया। आइए आगे देखते हैं एक्सेल में ब्याज की गणना कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है आपको दिखाने के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो तरीके के ब्याज होती हैं, तो हम वो देखना चाहते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये हमारे सामने है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं हम, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1+ दर बटे 100। और घात पे देते हैं हम समय, कितने समय के लिए हमने पैसे जमा किए थे। और अगर हमको मिश्रधन मिला है और हमको ब्याज निकालनी है, तो मिश्रधन में से हमने कितने पैसे जमा किए थे वो मूलधन आप माइनस कर देते हैं तो हमको ब्याज मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मिश्रधन कितना है, तो मूलधन में अपने ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास प्रश्न है कि हमने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए और बैंक हमको 8% ब्याज दे रहा है, और कितने वर्षों के लिए हमने जमा किया, 5 वर्षों के लिए। अब साधारण ब्याज की गणना करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं दोनों प्रश्नों पर। अब देखिए हमने यहाँ पे 8% लगा दिया है, तो हमको कहीं भी 1/100 करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला देखते हैं साधारण ब्याज, तो हमने यहाँ पे बराबर किया मूलधन, मूलधन क्या है हमारा 50,000, गुड़े का सिंबल यानी स्टार लगाया हमने, दर दर हमारा 8% है, 8% लिया हमने, गुड़ा और ये समय,
5। मैंने बताया आपको अगर परसेंटेज का सिंबल लगा है तो हमको बटे शो करने की जरूरत नहीं है। ये हमने इंटर कर दिया, ये हमको रिजल्ट मिल गया 20,000 रुपये। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किए 50,000 रुपये, बैंक हमको 8% ब्याज दे रही है और हमने 5 वर्षों के लिए डिपॉजिट किया, तो हमारे पास 20,000 रुपये साधारण ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन, अगर साधारण ब्याज के हिसाब से अगर हम देखें और मिश्रधन पूछें आपसे, तो मिश्रधन हो जाएगा आपका बराबर ये मूलधन हमारा और प्लस हमारा जो ब्याज निकला है ये। तो आपको 5 वर्षों बाद जो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे 50,000 रुपये, वो आपके 70,000 रुपये हो जाएंगे। आइए देखते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर मूलधन, ये हमारा मूलधन गुणे 1 प्लस 1 प्लस, दर हमारी क्या है 8%। अब हमने परसेंट लगा दिया है तो बटे शो करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज किया हमने। अब समय देने के लिए या तो आप पावर का यूज करते हैं या तो फिर आप कैप सिंबल का यूज कर सकते हैं, जो कि नंबर 6 पे है, शिफ्ट के साथ हमने यूज किया। कितने समय के लिए? 5 वर्षों के लिए। इंटर। ये हमारा जो चक्रवृद्धि मिश्रधन आया, ये आपका 73,466 रुपए और कुछ पैसे आया। अगर हम ब्याज निकालना चाहें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इंटरेस्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो इंटरेस्ट के लिए हमको यहाँ पे एक मैंने लगाया है कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन निकाल दें तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है। तो मिश्रधन हमारा ये निकला हुआ है, तो हमने बराबर किया मिश्रधन माइनस मूलधन हमारा 50,000 रुपये। इंटर। ये 23,466 रुपये और 40 पैसे हमारे चक्रवृद्धि मिश्रधन है, जबकि साधारण सॉरी ये 23,466 रुपये और 40 पैसे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, जबकि साधारण ब्याज हमको कितना मिला था? सिर्फ 20,000 रुपये। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि 3,466 रुपये और 40 पैसे का डिफरेंस है। तो साधारण ब्याज में हमें पांचों वर्ष सिर्फ 50,000 रुपये पे ही हमको ब्याज मिला है, वो भी 8-8% हर साल मिला है। लेकिन चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है उसमें एक साल ब्याज मिलने के बाद जो ब्याज होता है वो हमारे मूलधन में जुड़ जाता है, और दूसरे साल जो ब्याज मिलता है वो उस रकम पे मिलता है जो कि अभी अभी ब्याज मिल करके और मूलधन में जोड़ा गया है।